अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खातमुन नबियीन। हम का पेड़ नहीं कर सकते। दोनों जगह देखने वाली जात तो अल्लाह की, दोनों घर ही अल्लाह के, दोनों जगह इबादत अल्लाह की ही होती है। लेकिन जो मस्जिद नबी में मैंने एक डिफरेंस जो मैंने फील किया वो ये है कि यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा फ्रीली है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ये जो लाइन लगी है किसी ज़ियारत के लिए नहीं लगी लाइन, तो वो हमारे दो बंदे ये वाले एक और ये दो दूसरा यहीं कहीं खड़े हैं। अलबैक की लाइन है, ये अलबैक है भाई, सारा अलबैक माशाल्लाह। और इतनी बड़ी लाइन, अंदर भी इतनी आवाम खड़ी है, बाहर भी इतनी आवाम खड़ी है, मतलब कि अंदर रियाजुल जन्ना जाने की इतनी लंबी लाइन लगी, इतनी बाहर लगी यार, बिकॉज खाना इज पहले। खैर उमरे पर ये सऊदी आने का जो सबसे बड़ा ग्रुप में होना तो बहुत फ़ायदे हैं कि ग्रुप में बहुत मज़ा आता है ग्रुप में आने का, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि एक नज़र साइड पे करो बंदा नज़र नहीं आता, पता नहीं कहाँ चले गए यार मेरे साथ वाले लोग, कब से ढूंढ रहा हूँ उनको। लाइन में गया नहीं था मैं, खड़ा वैसे ही हुआ था, पता नहीं वहाँ कहाँ निकल गई है सारी। आगे पार्क से है थोड़ा सा, शायद यहाँ पर बैठे हूँ। मसला नंबर दो ये भी है कि मैंने सिम भी नहीं ली यहाँ पर, मैंने कहा ज़रूरत नहीं है यार, सारा दिन तो हरम होते हैं, हर महीने में कभी यहाँ तो कभी उधर, वहाँ 4 दिन का सही था, मैंने कहा क्या सिम लेनी, नेट वगैरह चलता सही प्रॉपर, लेकिन बंदा ही नहीं मिल रहा यार, अब मैं कहाँ ढूंढता फिर उन्हें। ये बैठ गया, मैं कब से इनको ढूंढने जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया हूँ, एक तो बता कर भी नहीं जा यार, आप लोगों ने बता कर ही ना हम कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों ने तो कहा उधर चले जाओ, मुझे तो किसी ने नहीं बोला यार, मैं उनकी बात सुनने गया हूँ, पीछे मुड़ा उन्हें फैसला ना चाचू, मैं आगे गया हूँ कोई भी नहीं, वो कहता हूँ नूर शहर पार्क में हो, फिर अच्छा, मैं दो तस्वीरें बनाई हैं वो तो सेंड नहीं करनी, सेंड तस्वीरें चल भाग जा, रेडी नहीं है। आया है अलबैक, आया है अलबैक, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुलो लो खुलो लो, सिम नाल खुलो, चल तो जमा हाल हो पहले काम ही काम ही काम यार, 45 तक काम है, 45 तक चप्पल किसकी है भाई, बंद की बनानी थी, सलाउल्लाह की लग रही थी माशाल्लाह। चौधरी बर्गर ही बर्गर, ये क्या बर्गर, ये तो खाली बर्गर है भाई, ये बर्गर साथ के मिल मिल के देते हैं यार, नहीं समझ आ रही, ओए कितने बर्गर आ गए, मेरी तो मौज लगी, साथ दही भी लेनी थी, क्या बात है, क्या चीज है, उफ आहा मजे अमेजिंग, ये थी चिकन है, ये फिश फिले थे, वो बर्गर थे, ये बताओ रश कितना है अंदर, बहुत रश है, अरे वाह रश है भाई, इसमें केचप कौन सी है, केचप है, खोलो खोलो, होए होए होए, क्या मजा है, उफ कहां है कॉकटेल, कॉकटेल हलाल कॉकटेल, आहा मजा आ गया, उफ नहीं सच्ची वाला देख ले ये मेरा, आहा मजा आ गया, फिश बहुत अच्छी है, फिश बहुत अच्छी है, आहा मौसा ओ तो भाई, ये तो भाई, ये फिश बहुत मजे की, कौन सा हलाल कॉकटेल, हां ये तो भाई है, कौन चाचू, नहीं दूसरा ना, तोती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अरे वसीम में छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आज ट्राई कर रहा हूं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हां जी मजेदार मजेदार, आप बताओ मजे की, नहीं आप बोलो कैमरा बंद कर, नहीं 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 बोलो, नहीं नहीं बोलो, पीछे ही पड़ गया क्या, बस कर दे पीछे ही पड़ गया, हमने वहां से हां जी गरमा गरम गरमा गरम का ना हो गया शायद ना, हां पाकिस्तान का गरमा गरम आ जा, ये ब्रेड खानी है उई साथ, उई 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 ये ब्रेड इसके साथ खानी, माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं चाचू बस ही खा लो, आ जा भाई हलाल कॉकटेल साथ में थोड़ी सी सॉस चीज वाली ब्रेड के साथ, सही है दे दे इसको, दे 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 चौधरी को, चौधरी खा आइसक्रीम, थोड़ी कर रहा हूं चौधरी को, खाए चौधरी कैसी है, लेवल है लेवल है लेवल है, चौधरी दूर से लगते ना आईएमयू के एम्बुलेंस हो,
वल्ला हबीबी थैंक शुक्रान शुक्रान हबीबी शुक्रान शुक्रान यार हम लोग यहाँ पर लेने के लिए आए हैं खजूरें और ये यहाँ पड़ी हैं चॉकलेट्स नहीं भाई ये नहीं लेनी गंदी होती है दांत खराब करती है कीड़े लग जाते हैं फिर डेंटिस्ट को पैसे देने पड़ते हैं ना चौधरी खजूरें अच्छी होती है खजूरें लो वो देखो मोहम्मद पीछे जो है ना बहुत कर रहा है वो है पीछे मस्जिद बिलाल और यहाँ पे है हमारा वसीम हसन मैंने यहाँ पर हमारी खजूरें निकल रही हैं ये अजवा खजूर तकरीबन 100 रियाल की मेरे ख्याल है इसमें कहता 2 किलो से ऊपर होगी वजन करके देखा नहीं करना चाहिए वैसे लेकिन छोड़ो खैर अब सौदा हो गया क्या करें आपकी 2 करनी है ना 3 12 दिन 15 कितनी करनी है अस्सलाम वालेकुम तो चाचा चाचा बिलाल बिलाल मस्जिद पीछे है आओगे 1 2 3 चौथी दुकान चाचा की दुकान का नाम है नूरतुल मदीना माशाल्लाह चाचा जो लोग आएंगे उनको रियायत दोगे इंशाल्लाह रियायत चाचा ने कितना सारा सामान लिया चाचा ने बहुत रियायत की हम सब चाचा लव यू चाचा सब लोग तुम्हारे पास आएगा इंशाल्लाह चाचा बंगला दे दे नाम क्या चाचा मंजूर नाम है चाचा का ठीक है चाचा ओके चलो आ जाओ तो यार ये है मस्जिद अबू बकर ये हज़रत अबू बकर का पहले घर हुआ करता था रज़ी अल्लाह अन्हु का तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जिससे कि वो प्रिजर्व रहा और ये देखें माशाल्लाह इसी तरह उन्होंने जितने भी जो यहाँ पे सहाबा किराम थे सबके तो नहीं खैर लेकिन मेरा ख्याल है जो अमीरुल मोमिनीन थे अबू बकर उमर उस्मान अली इन सब के जो हैं वो घर को इसी तरह प्रिजर्व किया माशाल्लाह माशाल्लाह यार इनको देखते ही जो है ना वो एक अजीब सा जो है मंजर तारी हो जाता है और अजीब सा इसमें जो है ना एक मज़ा आता है माशाल्लाह से और ये साथ ही इन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन जो की है वो भी बहुत अच्छी लगती है जैसे ही राइट साइड पर देखो तो ये मस्जिद जो हरम है हमारा मस्जिद नबी के मीनार नज़र आते हैं जिनको देखते ही जो है वो सरूर तारी हो जाता है माशाल्लाह से ये छतरी है ओपन है यार इनको खुलते बंद होते देखने का अलग मंजर है एक मैंने सुना है अभी देखा तो नहीं क्योंकि टाइम नहीं था इतना हम लेट पहुँचे हैं ये बस पता लग जाए यहाँ लिखा हुआ है यार ये है मस्जिद अल गमामा इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि इसकी हिस्ट्री ये है कि ये वो आखिरी मस्जिद है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जो है वो ईद की नमाज़ें पढ़ाई और यहाँ पर मस्जिद बारिश के लिए जो है वो दुआ की और यार तो ये है मस्जिद एक्सपेंशन एग्जीबिशन मतलब कि यहाँ पर जो मस्जिद नबी की तौसी की गई मतलब कि पुराने ज़माने में आई गैस जो ओरिजिनल मस्जिद नबी थी वो तो बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा होगा ना अब ये तो बाद में जाके सारी एक्सपेंशन हुई है सुनने में तो ऐसे ही आया है कि अब जो मस्जिद नबी है ये माशाल्लाह इतनी बड़ी तो ये तकरीबन निसफ या फिर तकरीबन पूरा जो है वो मदीना शहर हुआ करता था उस वक्त का आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल सामने हज़रत अबू बकर की जो है वो उनका घर हुआ करता था हज़रत उमर का घर भी यहीं आस पास होगा तो बाकी सब जो सहाबा किराम है सबके घर आस पास थे तो इसको जो है वो एक्सपेंड किया गया है एक्सपेंड करने के नतीजे में जो है जो भी यहाँ पर जो चीज़ें होंगी अब ड्यू टू वक्त की वजह से हम लोग नहीं जा सकते बिकॉज वक्त ही नहीं है हमारे पास अब हम आज लोग आ जाए हैं मंगल को ना सॉरी मंगल को नहीं जोहर की नमाज़ के बाद हम लोग निकले हैं वहाँ से और हम यहाँ पर पहुँचे हैं मगरिब के वक्त या मगरिब के बाद लगाओ आप लोग तो कहने का मतलब ये है कि अब हमने कल निकल जाना है फिर यहाँ से जोहर के बाद यार मस्जिद नबी में और हरम शरीफ में जो है ना बेसिक डिफरेंस जो अगर किसी चीज़ का है तो वो एम्बियांस का है जो मेरा ख्याल जो खाना काबा है ना वहाँ का एक रोब दबदबा है वहाँ पे ये है कि पता लगता है कि बस कोई चीज़ है जलाल वाली चीज़ है यहाँ पर आके फिर भी थोड़ा सा जो है ना वो खुला सा ठंडा मीठा मौसम है मतलब कि इतने ज़्यादा जो है ना तो डर खौफ किसी का ज़्यादा नहीं है मतलब कि मीन्स के कहने का मतलब मेरा ये दोनों जगह देखने वाली ज़ात तो अल्लाह की दोनों घर ही अल्लाह के दोनों जगह इबादत अल्लाह की ही होती है लेकिन जो मस्जिद नबी में मैंने एक डिफरेंस जो मैंने फील किया वो ये है कि यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा हम ज़्यादा फ्रीली हैं मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा मतलब कि ये यहाँ पर इतनी ना वो ये है कि हाँ यार बस गुजारा हो जाए जो इतना लाडलपन वाली बात होती है ना वो यहाँ पर कि हाँ भाई वहाँ पर ये कि अल्लाह अकबर माफ़ अल्लाह माफ़ करे कुछ गलती ना हो जाए गलती पता ही ना हो जाए यहाँ पर ये कि यार हो जाएगा माफ़ हो जाएगा ये दिल से निकलती है बात मुँह से मैं नहीं कुछ बोल रहा अपने जैसे बना के नहीं बोल रहा दिल से निकल रही है बात तो बोल रहा हूँ क्या एक्सपीरियंस है क्या डिफरेंस आपने फील किया है एक तो मौसम का ठंडा मौसम है हाँ और दूसरा मतलब वहाँ को जो ना एक अलहदा ही है वहाँ की कैफियत अलहदा ही है हम कंपेयर नहीं कर सकते यू गाइस नो कि जो आबे जमजम है वो खाना काबा के पास से हाथ से निकलता है मतलब कि मक्का में से निकलता है
तो यहाँ पर मदीना में आब जमज़म जो है वो इन कूलर्स में पिया जाता है, और कंटेनर्स के कंटेनर्स जो है वो मक्का से मदीना लाए जाते हैं ओनली फॉर आब जमज़म। यहाँ पर हर जो है ना दूसरी जगह रखा होता है हर दूसरे पिलर के साथ, तो आप जो है ना वो जाकर पी सकते हो। और अभी ये लेकर जा रहे हैं ताकि जाके इसको रिफिल करें और दोबारा से लेकर आएँ ताकि आवाम पी सके। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये बिल्कुल जो है ये फजर के बाद के मनाज़िर है यार। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है यार। अभी सूरज जो है मेरा ख्याल यहाँ कैसे निकलेगा पीछे से, है ना ऐसे ही ना इधर से निकलेगा, तो रोशनी तो यहाँ पर है यार, लेकिन मज़ा आ रहा है यार देख कर। माशाल्लाह एक डिफरेंस जो खाना काबा में और मस्जिद नबी में है वो ये है कि यहाँ का जो फर्श है ना वो बहुत गर्म हो जाता है गर्मी के अंदर, मतलब धूप पड़ रही है ना अभी अच्छी वाली धूप है तो ये फर्श बहुत गर्म है, मैं नहीं चल सकता बंदा। लेकिन जो मक्का में है वहाँ आप नंगे पैर फिरो जो मर्जी करो, वहाँ कुछ नहीं है, नीचे सफेद पत्थर लगा है, आराम से चलो यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी जोहर की नमाज के बाद आए हैं ये सब लोग जो हैं, ये सब लोग सारे सलाम पेश करने जा रहे हैं हुजूर की तरफ, बाबू सलाम उधर है, तो ये से घूम के जाना पड़ता है। बस हमारे ये चंद लम्हात हैं यहाँ पर, मेरा ख्याल है आधा एक मैक्सिमम एक घंटा है, उसके बाद हमने यहाँ से मक्का के लिए चले जाना है। तो हाथ खड़ा दे यार, तेरा तो पता नहीं मैं गिर जाऊँगा वरना। अलविदाई सलाम करने के लिए हम सब लोग जा रहे हैं अभी माशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सलाम अमीरुल मोमिनीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह।